आई एम अल्तमश फराज एंड यू आर वॉचिंग टेली रिपोर्टर। अरमान का जो एग्रेशन था वो कभी कभी इसमें आता है, वो हमेशा नहीं रहता। अरमान वॉज कॉन्स्टेंटली एग्रेसिव, बट ये कभी कभी ऑन द साइड लाइन्स ही गेट्स एग्रेसिव। आई थिंक अनोखा बंधन सास बहू की जो स्टोरी है, इसमें सास बहू वाली स्टोरी वो टिपिकल सास बहू नहीं है, बिकॉज इसमें सास बहू एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं है, बल्कि सास बहू जो है वो एक साथ में है। जी केमिस्ट्री तो देखिए ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाली है, बिकॉज जो हमारे सीन्स और स्टोरी लाइन है वो ही बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बिकॉज जो हीरो हीरोइन है वो उनका रोमांटिक वाले एंगल से ज़्यादा वो लव हेट वाली रिलेशनशिप है। डोर्स बंद हो जाते हैं तो उनका हेट वाला जो एक वरदान का निकल के आता है वो है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी 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 आई थिंक ये जो कैरेक्टर है ऑब्वियसली इट्स आई मीन अ लव स्टोरी, बट जो लव स्टोरी है इसमें जो एलिमेंट है वो है नार्सिसिज्म का। सो इसका कैरेक्टर जो है ऑन द साइड ऑफ अ नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर है, तो वो बहुत बड़ा एलिमेंट है जो इसे डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम द कैरेक्टर दैट आई प्लेड व्हिच वाज अरमान इन द लास्ट शो। एंड आई थिंक स्टोरी लाइन और उसके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स ये उसको बहुत डिफरेंट बना देते हैं, एंड द वे आई एम एक्चुअली taking it forward in terms of the character in the storyline, that's going to be different. Look काफ़ी हद तक कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं लुक में, बिकॉज उसमें भी मैं सूट्स ही पहनता था, इसमें भी सूट्स पहनता हूँ, बट जो एक कलर स्कीम थी अरमान की वो अलग है और इसकी अलग है। एंड ही इज़ अरमान वॉज वेरी एग्रेसिव, एंड ये जो कैरेक्टर है ही इज़ वेरी पॉजिटिव एंड ही लव्स टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली एक्सेप्ट फॉर हिज वाइफ। सिमिलैरिटीज़ आई वुड से एग्रेशन, अरमान का जो एग्रेशन था वो कभी कभी इसमें आता है, वो हमेशा नहीं रहता। अरमान वॉज कॉन्स्टेंटली एग्रेसिव, बट ये कभी कभी ऑन द साइड लाइन्स ही गेट्स एग्रेसिव, बट अदरवाइज ये हमेशा सबके साथ अच्छा रहता है, बट बीवी के साथ ये अरमान जैसा थोड़ा थोड़ा कभी कभी बन जाता है। जी 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 आई थिंक अनोखा बंधन सास बहू की जो स्टोरी है, इसमें सास बहू वाली स्टोरी वो टिपिकल सास बहू नहीं है, बिकॉज इसमें सास बहू एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं है, बल्कि सास बहू जो है वो एक साथ में है और उनकी बहुत प्यार वाली बॉन्डिंग दिखाई है, रादर देन के जो एक टिपिकल सास और बहू लड़ते रहते हैं टीवी शोज में, तो वो वाला नहीं है इसमें कैरेक्टर। जो मेरा है वो बेस पकड़ने के लिए आई थिंक मुझे ये कैरेक्टर थोड़ा इसलिए पसंद आया बिकॉज ही हैज़ एलिमेंट्स ऑफ ग्रे शेड्स इन हिम, वो मुझे बड़ा पसंद आता है, बिकॉज जब आपके पास थोड़े से भी ग्रे एलिमेंट्स होते हैं कैरेक्टर, तो आपको खेलने का बड़ा मौका मिलता है, यू गेट टू प्ले अराउंड सो मच, और स्क्रिप्ट भी जो है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं जो हूँ अपना काम बहुत अच्छे से करूँ, बाकी वो बेस तो खुद ही पकड़ लेगा। जी केमिस्ट्री तो देखिए ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाली है, बिकॉज जो हमारे सीन्स और स्टोरी लाइन है वो ही बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बिकॉज जो हीरो हीरोइन है वो उनका रोमांटिक वाले एंगल से ज़्यादा वो लव हेट वाली रिलेशनशिप है। इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, जब शो शुरू होता है तो वो लव स्टोरी इनकी फ्लैशबैक्स में दिखाई जाएगी जब इनकी शादी होती है, बट इनका प्रेजेंट सिनेरियो इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और इनका अभी जो है वो लव हेट वाला रिलेशनशिप चल रहा है। व्हेन आई से लव हेट तो इनका लव जो है वो पूरी दुनिया के सामने दिखता है, और हेट जो है वो जब डोर्स बंद हो जाते हैं तो इनका हेट वाला जो एक वरदान का निकल के आता है वो है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वेल फैंस से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये शो बड़ा ही एक अलग कॉन्सेप्ट पे बन रहा है, और जो ये हमारी कोशिश है वो ये है कि जो स्टोरीज़ वो हम बता रहे हैं उससे हम जो सोसाइटी के इश्यूज़ हैं उसको वॉइस आउट कर सकें, और जो एक इंडियन सोसाइटी में एक पेट्रियार्कल कंडीशनिंग है जिसमें बताया जाता है कि भाई जो मर्द हैं घर के या पति हैं वो हमेशा सही होते हैं, और उनका देखभाल करना या उनकी बात सुनना, उनके नीचे दबे रहना औरतों का ये फ़र्ज़ होता है, तो हम ये चीज़ को एक हाईलाइट करना चाहते हैं कि जो एक कंडीशनिंग है उसको हम हटाएं और एक खूबसूरत स्टोरी के थ्रू उनको समझाएं कि जो होता आ रहा है ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, अगर वो ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा इनकल्केटेड है, लेकिन जो सही है उसे सही करना बहुत ज़रूरी है।